नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। छत्तीसगढ़ के संभाग में 21वां माघ पूर्णिमा रामचरितमानस गायन वादन सम्मेलन कराया गया। आपको बता दें कि गायन वादन सम्मेलन ग्राम पंचायत खोपा में संपन्न हुआ। इस दौरान रामचरितमानस गायन वादन के माध्यम से लोगों को भगवान राम के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। हरिनारायण दुबे ने कहा कि रामायण का पाठ सुनने और करने से अवश्य तौर पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को कराने का उद्देश्य है कि लोगों में धार्मिक भावना जागृत हो। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान गायन वादन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। रामचरित गायन वादन प्रतियोगिता बहुत पहले से चला आ रहा है, कई वर्षों से, लेकिन यहाँ एक बार आपस में संगोष्ठी हुई कि सभी विद्वानों का कि आपस में मिलकर के एक वार्षिक उत्सव के रूप में इस रामचरित मानस गायन वादन सत्संग समारोह को मनाया जाए, जिसमें माघ पूर्णिमा को चयन किया गया। इसमें हनुमान जी का एक ध्वजा रखा जाता है और वर्ष भर उसकी पूजा की जाती है। तदुपरांत वहाँ माघ पूर्णिमा को विभिन्न मंडलियों के द्वारा प्रस्तुति की जाती है। यह शुरुआत माँ कुदरगढ़ी देवी के चरण स्थल से, ग्राम इंदरपुर से प्रारंभ हुआ और कई जगह यह कार्यक्रम होते आया। बीते वर्ष ग्राम इंदरपुर में पुनः यह वार्षिक उत्सव मनाया गया। वहाँ से ध्वजा खोपा देवस्थल के लिए प्रदान किया गया था और यहाँ इस उत्सव में बहुत सारे लोग भाग लिए और सभी का सहयोग रहता है, धर्म का जागरण होता है और इसमें साथ ही साथ हमारी संस्कृति की रहन और सहन और उन्नत किस्म के व्यवहार परिवर्तन, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से व्यतीत हो, भाईचारा का विकास हो, इसमें सामाजिक कार्य को भी जोड़ा गया है, ताकि लोगों में राम जैसे व्यक्तित्व, हनुमान जैसे आदर्श सेवक और भ्रातृत्व विकास, जैसे आपस में भाई बंधुओं में सत्संग बना रहे, मित्रों में अच्छा सामंजस्य बना रहे, हमारा भारत सुदृढ़ हो, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इस तरह के संदेश के माध्यम से हम भगवान राम के ध्वज को हनुमान जी के नाम से यह संचालन चला रहा है। यहाँ के बाद ग्राम बासापरा को सर्वसम्मति से यह ध्वजा प्रदान किया गया है। अगले वर्ष माघ पूर्णिमा को वहाँ भी इसी तरह उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सभी की सहभागिता रहेगी। यह अनरत माघ पूर्णिमा को चलता रहेगा और इसमें कुछ और विशेष रहता है कि ऐसे चलते आ रहा है। ये वार्षिक रूप से चला आ रहा है, मतलब साल भर में माघ पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, बाकी यत्र जो सत्संग समारोह होते रहते हैं, लेकिन ये ध्वजा के रूप में यहाँ से ध्वजा दिया जाएगा, झंडा वहीं होता है। हमको आप लोगों ने किस प्रकार से चालू किया? ये तो हम लोग जो गांव में है या जो सदस्य हैं, आपसी सामंजस्य बना करके आर्थिक रूप से उसको समस्या निदान करने के लिए इकट्ठा करते हैं, राशि इकट्ठा करते हैं और इसमें दो दिन तीन दिन चलता है, तो सभी सामूहिक रूप से एक स्थान पर भोजन बनता है और जितने भी आते हैं, महिला मंडली आते हैं, बालिका मंडली आते हैं, बालक आते हैं और मानस मंडली आते हैं, सभी यहाँ भोजन करते हैं, निवास करते हैं, उनको सब उनकी व्यवस्था की जाती है, अलग अलग रुकने की व्यवस्था रहती है और इस प्रकार से अपना कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण करते हैं और बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ लोग भाग लेते हैं। इसमें करीब करीब मैंने 100 किलोमीटर तक के लोग भी मंडली आ करके भाग लेती है और इसमें हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ जिस समय इसका विकास हुआ, छत्तीसगढ़ का जब उल्लेख आया, उसी समय से हम लोग इसका कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज ये 21 साल हो गया है। इस सत्र में हम लोगों का 80 मंडली भाग लिए हैं इसमें और जिसमें हम लोगों ने करीब करीब सभी को पुरस्कृत किया है, संतावना पुरस्कार सभी को देते गए हैं, रामायण नारियल इत्यादि करके उनको विदा किए हैं और इसमें ऐसा नहीं रहता पुरस्कृत किए जाते हैं, करीब करीब सभी मंडली पुरस्कृत कर, लेकिन जो अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको थोड़ा सा विशेष रूप से उनको उत्साहवर्धन करते हैं, उनको देते हैं और सभी जो अतिथि हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, जिस प्रकार से ये चलते रहता है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये इस प्रकार चलता रहे। अब कुछ दिन तक ये जो हम लोगों का पीछे था, पर आज इसका संगठन मजबूत हो गया है, इसमें अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं और इसमें सुधारात्मक कार्यक्रम ज़्यादा होता है,
नशापान करके इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता, नशापान करने वाले को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम में पुरस्कृत किए गए ग्रामों का नाम थोड़ा बताना जी। सरगुजा झंडा वार्षिक 21वां जो कार्यक्रम आज देवधाम खोपा में संपन्न हुआ, इसमें कुल 60 मंडलियों का प्रवेश हुआ। मानस मंडली में 48, महिला मंडली में 7, बाल मंडली में 3 और बालिका मंडली में 2, इस तरह से 60 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। और चारों जो स्तर हैं, चारों स्तर में जो पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, जिसमें आज मानस मंडली में प्रथम शिव शक्ति मानस परिवार कछार जिला कोरिया दर्शन सुनहत को 77 अंक के साथ प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है अमर मानस मंडली करजी कोरिया को, जिन्होंने 76 अंक प्राप्त किया। तृतीय स्थान प्राप्त जो दो मंडलियां हैं संयुक्त विजेता के रूप में जिनको घोषित किया गया है, प्रगति मानस मंडली रनई जिन्हें 75 अंक प्राप्त हुआ, बाबा बचराज कुंवर मानस मंडली गोरगी इन्हें भी 75 अंक प्राप्त हुआ। महिला मंडली में जो प्रथम विजेता के रूप में यहाँ रही है जय दुर्गा महिला मंडली खरवत जिला कोरिया, जिन्हें 81 अंक प्राप्त हुआ है। और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं प्रज्ञा महिला मंडली आंजो खुद, जिन्हें 74 अंक प्राप्त हुआ। तृतीय स्थान में दो मंडलियों को समान अंक प्राप्त हुए हैं, नारी एकता महिला मंडली गिरजापुर एवं जय माता दी महिला मंडली मझार टोला, जिन्हें 70 अंक प्राप्त हुआ। और बाल मंडली में इसी तरह से प्रथम स्थान संयुक्त रूप से दो मंडलियों को प्राप्त हुआ है समान अंक होने के कारण, शिव शक्ति बाल मंडली सांवरावा को 68 अंक और उसी प्रकार से कृष्ण सुदामा बाल मंडली परसिया को भी 68 अंक प्राप्त हुए हैं। जो द्वितीय स्थान प्राप्त हुए हैं बाल मंडली में हरिओम बाल मंडली तुम्बीबारी पुटा को, जिन्हें 62 अंक प्राप्त हुए। बालिका मंडली में कुल दो मंडलियाँ सहभागी हुई, जिसमें प्रथम स्थान संस्कृति बालिका मंडली भुवनेश्वरपुर को प्राप्त हुआ, जिन्हें 69 अंक प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान सरस्वती बालिका मंडली घुघरा को प्राप्त हुआ, जिन्हें 64 अंक प्राप्त हुआ। इस तरह से यहाँ पुरस्कार की व्यवस्था की गई है और टॉप 10 जो मंडलियाँ हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है समिति के द्वारा। जी राशि भी दी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।